से पेशार जड़े प्रधान शिक्षिका हेले निशारे से जड़े साहित्यिका तथा संस्कृति प्रेमी खाली से नुहे से खूब छात्रवत्सला नृत्य और संगीत प्रवीणा छात्र जीवन रु कविता रचना करी से बहु प्रशंसा भाजन होती गल्प और क्षुद्र गल्प रचन रुचि रखि सत्वे कवितार कथा और व्यथा को से बेस सफल भाव व्यक्त करपारती अन्य प्रतिभा जनक होती डॉक्टर स्निग्धा स्वाई जी आज आम गहन तेब आसतु जाणी संपर्क आउ कि आज ये स्वतंत्र साक्षात्कार मध्यम मैडम नमस्कार। नमस्कार राजश्री टीवी ओडिशा तरफ आपको स्वागत आपको धन्यवाद मत सुजोग रायश्री टीवी मो देखिबार बहुत प्रचारित प्रसारित एवं आपण माने आपण को टीवी रे मते साक्षात्कार सर सुजोग दैथिबारु मु आपण पखरे चित्र कृतज्ञ। कार्यक्रम आरंभ रे हमें जानिचु आपण जने भलो व्यंग कवि आउ सेइ दृष्टिरु आपण अनेक व्यंग कविता भी रचना करछंती तणु आपण को जीवन रो श्रेष्ठ व्यंग कवितार कियदंश सुनैबे कि हम दर्शक बंधु मानकु निश्चय व्यंग कविता मु प्रारंभिक काल लेखु नथिली प्रथमे लेखुथिली गद्य कविता तापरे विभुभक्ति कविता लेखिली गीति कविता तापरे आसली व्यंग कविता को मते बहुत खुशी लागिला व्यंग कविता लेखिया पई कारण व्यंग कविता ही मते राज्य राज्य बाहर परिचय देला से व्यंग कविता लेखे आग्रह प्रकाश कलु मोर गोटे व्यंग कविता नारी मान को लेकिन कहीं नारी हूँ समाज संगठिका नारी हूँ समाज एवं परिवार संगठिका नारी चाहिए गोटे समाज गढ़ी पार नारी चाहिए गोटे समाज भांगी पार तेणु आज नारी जो तार बाट फुड़ी जाइए केमी से भल नारी टी हम ताक बाट को आने मुझे व्यंग कविता क्रियादंश गायबी एटी कौन सी नारी मैंने अन्यथा ने कारण यहाँ जेहेतु व्यंग कविता से व्यंग मध्यम चेष्टा कर नारी मान बाट को आने कारण नारी तक पथ फुड़ जाइए बाट को आणवार हूँ कर्तव्य हूँ मोर जेहेतु मुझे कलम धरी मनीष आज नारी कथारे कामरे बड़ चतुरी छाड़ीण साड़ी न पिंधि चूड़ी जीन पैंट संगे टी शर्ट पिंधि चढ़ती गाड़ी बड़ सान ज्ञान गले हुड़ी काऊ ना खातिर आज नारी शाशुघर लोक जुआड़े जातु ना से चिंता शाशुघर लोक जुआड़े जातु ना से चिंता बाप घरे जा आस्थान जमाए जा शाशु को से काट चिता दियर ननद चुलिकी जातु दियर ननद चुलिकी जातु पु अंकल डाक मामू को ग्रांड फादर बोले बुझ अजा आउ भाई बहुत बढ़िया। आज नारी गाँ कह से बुझे मामू घर पु गाँ कह से बुझे मामू घर न था पचके स्नेह आदर जेजे जेजीमा को स्नेह को आड़े आई माई को से करे निजर आज नारी घर लोक से करी भगारी बाहर लोक मन किणी देखाई शुणाई कथा चातुरी से आज नारी पुपाई पछे औषध न था ब्यूटी पार्लर सदा जाऊ था माँ पणियाटा खोजिले मिलेनी अधिकार पाई जाए कचेरी से आज नारी आज नारी टीवी सीरियल होइण बाई कामरु फेरता स्वामी की ताहर खाइबा को टिके पारेनी दे स्वामी सत्य अबा किणा चाकर घर काम जाक सबू तांकर टीवी देखी देखी दिन तो सरेनी कथारे कथारे मारई छुरी से आज नारी आज नारी आज्ञा आज नारी महिला कमिशन टा पूरा तांकर आज नारी नारी महिला कमिशन टा पूरा तांकर पुरुष पाई तो कमिशन नहीं बिचरा पुरुष हताश होई कागे करिवो सिए गुहारी आज नारी आईन बल भारी बलियान आईन बल भारी बलियान जय जय कर तागुण गान नोहिले संसार उजुड़ी जीवे संसार सगर नोहब पारि संसार सगर नोहब पारि से आज नारी मैडम गोटे सत कथा कह आपण जन प्रधान शिक्षिका हो गुरु दायित्व थिले मध्य लेखालेखी करने को समय पाती के मिति टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नॉन समय का अपेक्षा करेनी कारण समय को हमको धरिबा खुए
जो मैंने समय को बुझीपारती जीवन में कौन क्षेत्र में सफल हमें ना तेणु समय को आम कहते बांटी खुंटी मापी चुपी चलिए हूँ दायित्व आम निश्चय कहीं देखो मुझे टाइम जिते समय कथ ही मुझे रेडक्रस रिसोर्स पर्सन थाए तो पिला प्रथम समय कथ ही आगे बुझेवा हुए मुझे रेडक्रस स्टेट रिसोर्स पर्सन अच्छी एवं इंग्राजी भी स्टेट रिसोर्स पर्सन तेणु समयटा को केमी बांटा हुए प्रथम मुझे पिला बुझे हुए मुझे प्रथम जब बुझी सीना पिला बुझेबी निश्चय तेणु देखु बहुत कम हेडमास्टर हेल्ले आसीस्टाट टीचर जो थी आठ नंबर गर्ल्स हाई स्कूल जी दायित्व था बर्तमान गंजाम जिलार खलिकोट ब्लक कंचन हाई स्कूल अच्छी हेडमास्टर जो बहुत पिला पांच ऊपर पिला एवं टीचर होती आम षोल जन स्टाफ षोल जन एवं ट्रांसफर हो गले तथापि समस्त जेहेतु गोटे शिक्षक गोटे हेडमास्टर पोस्टा गोटे आमर स्वतंत्र पोस्ट यहीपाई कि जड़े लीडरशिप क्वालिटी दरकार जदि लीडर है ताहले प्रथम निजे से समय को मापिबा दरकार प्रति क्षेत्र में मुझ स्कूल के समय देवी घर पर कितनी समय देवी लेखालेखी के समय देवी एवं नाचवाप के समय देवी गीत गाइबा के समय दे विशेषकर मुझे जो सत्संगी सत्संगर मातृसमन वक्ता भाव में मत नि जाए विभिन्न ओडिशार विभिन्न प्रांत को जाए पुणी शनिवार जाए रविवार स्पीच सारिकी पुणी से रविवार रात बस धरिक सोमवार सकाल पहुँचे पुणी तरबार की रोसे दीटा करके स्कूल को जाए तेणु जो समय को कमी बांटा कथा केमी लेखालेखी कै आप शुणिले बोध निश्चित आश्चर्य हे मोर गोटे पढ़वार निशा थी पिलादिन लेखिबार निशा जेहेतु बापा मत बहुत प्रेरणा देते सत कितु गोटे निशार पकई जाता पड़ जाता अभ्यासटा से निशा ही मत रात अनिद्रा कर बेले बेले जो दिन गल्प लेखिबार थाए से रात दुईटा केतटा हो जाए लेख लुखु गल्प लेखिया समय कंटिन्यूस तीन घंटा दरकार थी साढ़े तीन घंटा दरकार हुए तेरे कंटिन्यूटी न रही गल्पटा भल हम ना डाइवर्ट हो थर्ड डाइवर्ट हो चिंताधाराटा विक्षिप्त हो तेणु गल्प लेखिया कहें कंटिन्यूस बस हुए कि कविताटा गोटे इमोशन कथा आवेगर कथा जो आवेग को साउंटी दे दस मिनिट्रे कविता लेखी जाए पांच मिनिट्रे कविता लेखी जाए से पांच मिनिटाई के आउटपुट होगा हुए से कम भितर भी आउटपुट मनीषा हुए कारण छुआ जी जन्म कर जंत्रणा जानी जी लेखुची सी ही जंत्रणा जानी पुह जन्म कर जंत्रणा झील जन्म कर जंत्रणा जहाँ गल्पटे उतार कविता उतार जंत्रणा भी सैया तेणु मु कविता लेखा गोटे इमोशन को इमोशन टर जब ब्रेक हो लिखी हम ना तेणु सांगे सा मुझे जोड़ थाए सेमती फोपाड़ी आगे कविता को राफ्रे लिखि पकाए कि गल्प मत स्वतंत्र समय देवा किए गल्प लिखा बेलू मुंड छाई छाई जाए मैंने बहुत केते गोटे यूनिट पांचटा यूनिट किए काठी कले गल्प लिखा हुए से गल्प लिखा राति लिखे पूरा निस्तब्ध राति दुईटा राति जाऊ तीन राति जाऊ सर शुए आविता लेखा को हेल्ले जो मुहूर्त में मोर इमोशन आसे लिखी हुए केते गोटे कविता लेखि पारे समय दृष्टि कि मीटिंग फिटिंग थाए लिखि हुए सड़े चली जाए आसे ना आरे शब्द गुड़ाक फेरे आज उपन्यास लेखे उपन्यास तो मोर गोटे बाहरी सारी कविता संकलन गोटे बाहरी सारी गल्प संकलन बाहरी सारी कि आहरी अनेक तो अपेक्षार अच्छा बाहर आोड़ेटा निश्चित बही कि मोर असुविधाटा हूँ जे मुझे जिते बेसी हूँ प्रोफेसनाल प्रोफेसन को बेसी गुरुत्व देर मुझा टे कमी जा मोर गुरुत्व एक प्रोफेसनाल द्वितीय मोटे हाउस जहाँ गोटे घर स्त्री लोक स्त्री लोक हिसाब से मुझ स्त्री लोक गल्प भी सीरीयल लिखुची शहेटा स्त्री लोक गल्प लिखा को निष्पत्ति नहीं से प्राय अशी खंडे गल्प लिखि सारा अल्प गल्प जोटा को आपण मैंने कहते से अल्प गल्प जेहेतु गोटे स्त्री लोकर भी घर अच्छी परिवार अच्छी संसार अच्छी से आम कर्तव्य बोध रही कारण जीवन ही साहित्य जीवन ही गल्प जीवन ही कविता तेणु जीवन रीवन भित्तिमि की छाड़देले कवितार किसी मूल्य ही नए गल्पर किसी मूल्य ही नए जिते मुझे जीवन में फेलियर होने निश्चय सबुथे फेलियर हो आप देखुं छात पर कैसे गच लगे से गचर भी जत्न ना हुए मुझे सप्ताह दुई थर आसुची मानने सन्ध्या पहुँचुची पुणी सका स्कूल जी तथापि मुझ जो रविवार रुहे अनवर्त गच पिछा पड़ी थाए क्या गच्छाई मुझे गार्डेन केयर ट्रेनिंग भी नहीं बिना ट्रेनिंग कौन सी कम भल हुए ना कि गल्प कविता लिखा स्वतंत्र से इमोशन दरकार आवेग दरकार जो आवेगर मृत्यु हुए गोटे साहित्यिकर मृत्यु हो जाए जो आवेगर मृत्यु हुए गोटे कविर मृत्यु हो जाए जो आवेगर मृत्यु हुए गोटे नृत्यशिल्पी मृत्यु हो जाए गोटे
संगीतकार मृत्यु हो जाए गीतिकार मृत्यु हो जाए संगीतज्ञर भी मृत्यु हो जाए तेणु से आवेग को रखी बंची रखा हो कम आवेग ही मत जीवन नहीं बंची आवेगर ही मोर सृष्टि हो कविता सृष्टि हो गल्प आउ नाच में नुआ नुआ कथ सब दे पारे ओडिसी डांस ओडिसी मुझे कोर्स कर हिंदुस्तानी म्यूजिक रे भी कोर्स कर तेणु यही जो आवेगर कथ आवेगर जो मृत्यु हुए तो मोर भी मृत्यु हो स्निग्धा स्वाईर मृत्यु हो तेणु से ही मृत्युटा को अपेक्षा कर आवेगर मृत्यु न हो तेणु आपण मैंने जो कहे समय को माटी मापी चुपी चलिए बहुत कथ मनीष कहीपर मुझे भावे जे स्त्री लोक मैंने घरे बस कहीं समय नष्ट करती कहीं समाज में के बड़ बड़ कथा रही पृथ्वी के भितर केते रास्ता से रास्ता कहीं निजे खोजिक बाहर करूनी कारण समस्त भितर बहुत कला रही बहुत किसी गुण रही से गुण को सी निजे खोजा दरकार एवं से ही रास्त से निजक सजाड़ा दरकार जो मोर यही कला अच्छी मुझे डेभलप करी एमती गोटे स्त्री लोक ना एमती गोटे पुरुष लोक नहांती गोटे पिला ना जार कौन गड स्क्रिप्ट ना किसी गोटे अवदान रही ठाकुर ठाकुर से अवदान को बुझीपारता हूँ तो ये समयटा से नष्ट करता ना ये समयटा गोटे उपयुक्त भाव में संचालित करता निजे संचालन हाँ एवं निजे सुंदर सुंदर सृष्टि भी करता खाली अल्प कविता लिखिले हेनी आम भितर जो प्रकृत सौंदर्यबोध थी आम गच्छ को भल पाइबा प्रकृति के भल पाइबा केवल मो कविता गल्प लिखेनि आप जानते मु समाज सेवार बहुत व्रती प्रति वर्ष आम लिंब गच माँ पु रास्ता कड़े तीस चालीस ए बर्ष पचासटा गच पोतीचु ता सहित अनाथाश्रम कथा भी बुझे तेणु मोर प्रथम एम थी मत छोट बे मोर लक्ष्य था मुझे देश सेवा करी किंतु मते उपयुक्त साथी मिलबार दरकार थिला कारण मो झी पिला हेले भी पछरे गोटे जहाँ गोटे निश्चित रहा दरकार सपोर्ट से सपोर्ट मत मिलला ना जो टाइम मतलब बाहर पड़ा मुझे बाहरी निष्पत्ति नहीं कि बाहर पड़ा मो पु ए मन मन कह धीरे बहुत बाहर बड़ा भूल कलु तो बहुत कम तो करुचु आहुत कम कर समाज में कहीं बाहर बोल ता भी भगवान अवदान तो भाई सुंदर छुआटे मुझे जी मत प्रति मुहूर्त सपोर्ट दौ मैडम आपण भी जन गीत कवि आपण सुंदर सुंदर गीत भी रचना करती गाँती भी तेणु गोटे सुंदर गीत गाई शुणे कि आम दर्शक बंधु मान को हाँ निश्चय तो शुणी किंतु गीत कविता से स्वर मु दिए नि स्वर सान भौणी दिए विशेष कर जो पिलांग पे बेसी लिखी जोटा कि आमर कोरस करा जाए स्कूल सब से कोरस लिखी से गोटे पद गाईपर मो निज लेखा सबिता प्रतीक आमीरे आमीरे सबिता प्रतीक आमीरे श्रावण बारी धारा प्रलय हुंकार आमीरे आमीरे प्रलय हुंकार आमीरे सागर बिची माला सबिता प्रतीक आमीरे श्रावण बारी धारा शपथ आमर एई धरा बुके सबुजी मा देबु भरी सबुजी मा देबु भरी शांति मैत्रीर वाणी बही नेबु हिमालय आकुमारी हिमालय आकुमारी शपथ आमर एई धरा बुके सबुजी मा देबु भरी सबुजी मा देबु भरी शांति मैत्रीर बाणी बही नेबु हिमालय आकुमारी हिमालय आकुमारी
आमे रे भारत जननी पानी पवन रे गढ़ा आमे रे भारत जननी पानी पवन रे गढ़ा प्रलय हुंकार आमे रे आमे रे प्रलय हुंकार आमे रे सागर बिचि माला सबिता प्रतीक आमे रे श्रवण बारिधारा पण आमर सकल शिशुर आ पण आमर सकल शिशुर ओठरे भरिबु हस आमे ओठरे भरिबु हस अवहेलितर अभाव तुटाई अवहेलितर अभाव तुटाई हसाइबु यही देश आमे हसाइबु यही देश आमे रे भारत जननी पानी पवन रे गढ़ा आमे रे भारत जननी पानी पवन रे गढ़ा प्रलय हुंकार आमे रे प्रलय हुंकार आमे रे सागर बिचि माला सपिता प्रतीक आमे रे श्रवण बारिधारा आमे श्रवण बारिधारा आमे श्रवण बारिधारा। मैडम आपण साहित्य सर्जना करबाकु मन बळाइले केमिति आउ एई लेखा लेखी जोगु आपण देश विदेश रे मध्ये अनेक प्रशंसा पाइछन्ति से संपर्क रे कोन कहिबे साहित्य को प्राण करि धरली अति छोट बयसरु ना जेहेतु मो बापा भारी प्रिय थिले सबु पढिबा एवं मते छोट बळरु विभिन्न मैगजीन से किनकि दउथले विशेष करिकि छोट बळरे मीना बजा जन्ममामू विभिन्न जो पत्रिका सब आम शिशु कविता शिशु दुनिया जो थिला शिशु लेखा सब शिशु ऊपर बहुत मैगजीन दौले झंकार मैगजीन भी आनुले से निजे पढ़ुते बापा बो दीज पढ़ुते बापा थे ओएस माँ थी साइंस टीचर फिजिक्स रने बो आम बहुत सुंदर लेखे कविता बो नाचिए गीत गाए आमको शिखाए तेणु बापा भी प्रेरणा दिखती लेखे पढ़ बहुत एमती सेभेन्थ क्लास भितर गोटे लाइब्रेरी बही सारी देखी पढ़ी पढ़ी जो बापा बहुत प्रेरणा देखते मुझे झंकार मैगजीन पढ़े कि बुझीपे कौन से बुझीपे कि पढ़े हैबिट जो पढ़े से पढ़वार हैबिट ही मत लेखा धीरे धीरे प्रेरणा दे खाली पढ़ू छोट बलु अति छोट बलु प्रथम द्वितीय श्रेणी जो अक्षर चिन्ह शिखिली पढ़ेबार अभ्यास करदे बापा तापर कौन कली ना धीरे धीरे जो मैगजीन पढ़ू थी मत इच्छा है मुझे भल गपिता कविता गल्प लिखिपरि कि प्रथम स्टार्ट कली गल्प लिखार मो जीवन क्लास एट्रे पढ़ू थाए सेभेन्थ बेले गोटे छोटिया गल्पटे लिखी थी कहीं पढ़ाक मत लाजमा लगा पढ़ेगा कारण बो खाली कहे आम बहुत पाठ पढ़ बो भी निजे लिखे कि बहुत पाठ पढ़ जेहे साइंस फिजिक्स वाला बहुत पाठ पढ़ घर कम कर निजे भी सी चाकर करते बो सा मिसिक सब कम करूँ तापर कौन कल ना मुझे गोटे माधवी गल्प लिखिली जो टुनमुन पत्रिकार बाहर नवम श्रेणी में टुनमुन पत्रिका जटणी बाहर ताको दशरथी भाईना एवं विपिन दादा करुले विपिन महांती साहित्यिक दशरथी मिश्र से करुले जिते मत टुनमुन गल्पटी नहीं छापीदे मोटे भारी आग्रह है तेणु गल्प लिखिली बहु वर्ष गल्प लिखी लिखिले अपने बहुत मात्रा छपा छपी भी है बहुत मैगजिन बाहर सबुठ बड़ कथा मुझे छोट प्लस टू पढ़ू थाए जो पी एन कलेज खोर्धार प्लस टू पढ़ी जो कविता पाठोत्सव होता है साहित्य जो आम पाठ चक्र से समस्त कविता पढ़ले जो मैंने डकाला स्टेज उपरकू गल्प लिखुची मत डका गलानी मो आखिक लुह पलैसला
ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କଳା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧକ୍କା ଗଲାନି, ଆଖି ଲୁହ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆସି ଘରେ କାନ୍ଦିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାହେଲା, ଅଛ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛି, ମୋତେ ଧକ୍କା ଗଲାନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ କବିତା ପାଠ ସବୁକୁ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିଲି, କାନ୍ଦିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କାହିଁକି କବିତା ଲେଖିଲିନି। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଭୋରରୁ କବିତା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ମୋ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇନି, କବିତା ଲେଖିଲି, ଲେଖି ଚାଲିଲି। ଭୋରରୁ ଲେଖିଲି ଦୁଇଟି କବିତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଭଜନ ଦୁଇଟା ଲେଖିଲି, ତାକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଲି ସ୍ୱର ଦେ, ଯେହେତୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିତା, ସେ ତାର ସ୍ୱର ଦେଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି, ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସେ, କେମିତି ଆସେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଆବଦ୍ଧ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଆମର ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଆମର ବହୁ ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କବିତା ପାଠ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭାଇ, ଆମର ସାର୍ ବି ସମସ୍ତେ, ଆମର ଅବନୀ ସାର୍ ଥାନ୍ତି, ଅବନୀ ବରାଳ ସାର୍, କହିଲେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଛୁ, ସେଦିନ କାହିଁ କବିତା ପାଠ ଚକ୍ରରେ ପଢ଼ିଲୁଣି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଏମ୍ଏଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଥିବ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବନି କହିକି ମୋତେ ଡାକନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ କବିତା ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଥର ସଂଯୋଜନା କଲେ, ଯିଏ କବିତା ଲେଖେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଯିଏ କବିତାରେ ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ନିଗ୍ଧା। ପ୍ରକୃତରେ କବିତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦିରେ ଲେଖିଲି, ଏବଂ ସେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିଛି। କବିତା ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖୁଛି, କାରଣ ଗଳ୍ପରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜୀବନ, ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ହିଁ ସରିବ। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଗ୍ୟବତୀ, କାରଣ ସେଇ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୋର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏବଂ କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ଆମର, ମୋର ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟି, ମୋର ତିନୋଟି ବହି ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମୋର କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଇଛି। ଆଉ ମୋର ବର୍ଷାନୁରାଗ ହେଉଛି କବିତା ସଂକଳନ, ଏଇଟା 60ଟା କବିତା ରହିଛି, ବର୍ଷା କବିତା। ବର୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ, ନଦୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ପାହାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଏ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ପାଏ, ଝରଣାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାରୁ ହିଁ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ମୋର ବାପା, ବୋଉ, ମୋର ଭାଇ ବିଭୁଦତ୍ତ, ଶମ୍ଭୁଦତ୍ତ, ମୋ ଭଉଣୀ ମିତାରାଣୀ, ଯେହେତୁ ମୋର କବିତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱର ଦିଏ, ଏବଂ ଗୀତାରାଣୀ, ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଜୈନ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହିଁ ମୋତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ଏଇ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଛପିବାରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ବନେଇଛୁ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯେତେ ଦିନ ଚାଲୁଥିବୁ ଏମିତି କବିତାର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବୁ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗଳ୍ପର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଆଜିର ସମାଜକୁ ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ହିସାବରେ? ପ୍ରଥମେ ନାରୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାପରେ ବୋହୂ, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟିକା ବା ଶିକ୍ଷିକା ବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପଛ କଥା। ଝିଅ ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେ ମା ଠାରୁ, ବାପ ଠାରୁ, ଶାଶୁଘରେ, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା'ର ଶାଶୁଘରେ ମିଳେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ନ ହେଇଛି, କ'ଣ କର ନ ଚାଲିଛି ଶ୍ୱଶୁର ପରିବାର। ହଜାର ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ହଜାର ଡିଗ୍ରୀ ଧରୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିଥାଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ କାମ ଦେବନି ଶାଶୁଘରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବହନ କରି ନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ନ ଦେଇପାରିଛି, ତେଣୁ ନାରୀଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ନାରୀର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିଶୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଏବଂ ବହୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବା, ସ୍ୱାମୀ, ସଂସାର, ପରିବାର, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବା। ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ନାରୀକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ସମାଜ ସେ ଗଢ଼ିପାରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଏବଂ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେ କରିପାରେ। ଯଦି ଶାଶୁଘର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ନ ପାଇଲା, ଏ ହଜାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଣି କରି ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଭଲ ବହୁଟି ହେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ନାଁ ତ କହୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଶାଶୁ ରାଣୀ, ଏବଂ ମୋର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ମୋର ଦିଅର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ଏବଂ ମୋର ଯା ସୁଜାତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ହୋଇକି ରହିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପ୍ରେରଣା
ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଏକମନ ହୋଇକି ରହୁ, ତାହା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ, ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାରୀଟିଏ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତାର ନାରୀତ୍ୱ ତୋ ମାନେ ସତ୍ତା ସତ୍ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାରୀର ପରିଚୟ ସିଏ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଜିର ନାରୀ ପଛରେ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାଟ ନ ଭୁଡ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ନାରୀ ହେଉଛି ମା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପରକୁ ଆପଣା କରିବ, ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଜଗତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କି ଭଲ ପାଏ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନାରୀ ଜଗତକୁ, ନାରୀ ସମାଜକୁ, ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ହେବା, ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିପାରିଛି। ଯେହେତୁ ନାରୀଟିଏ, ଆମେ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା, ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା। ଯଦି ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନାରୀତ୍ୱ ବା ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜିର ସମାଜ। ଧନ୍ୟବାଦ।